नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से नई रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। जैसा कि पहले हम लोग जो है आपको सारी जानकारियाँ देते हैं जॉब से रिलेटेड, उसी तरह की जानकारी आज भी लेके आया हूँ। एक दो दिन से कोई भी इंपॉर्टेंट ज़्यादा अपडेट नहीं था, तो शायद एक दिन वीडियो भी नहीं आई है, लेकिन आज तो है ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर ये आता है। अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट है, लेकिन स्टाइपेंड जो है वो अच्छा मिल रहा है। तो यही दोस्तों रिक्रूटमेंट है और इसी के बारे में हम लोग जो है वो बात करेंगे। एक दो रिक्रूटमेंट और आई हुई है, लेकिन उनके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया कि वो वाकई में रियल है या नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल जो है वो फेक लग रही है। जैसे ही उनके बारे में जो है वो कंफर्म हो जाएगा, तो उनकी वीडियोस भी आपको जरूर जो है वो इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जॉब अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो रिक्रूटमेंट दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर ये रिक्रूटमेंट आती है। अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट के लिए इंफॉर्मेशन है और ये जो है आप जानकारी आपको जो है पूरी दूंगा मैं, जितनी भी जो इसमें लिखी गई है। और अगर आप एलिजिबल होते हैं तो जरूर इसके लिए आवेदन कीजिएगा। इरकॉन प्रोजेक्ट दोस्तों जो है वो छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, सिक्किम, जे एंड के, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा के लिए ये रिक्रूटमेंट बता रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों जो है एक एक करके हम लोग हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बता देता हूँ डिसिप्लिन कौन कौन से हैं। सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, SNT है। 32 नंबर ऑफ पोस्ट सिविल के लिए, 7 इलेक्ट्रिकल के लिए है और 2 जो है SNT के लिए है। फुल टाइम ग्रेजुएट हैं आप, या आपने जो है इससे रिलेटेड ब्रांच में जो है वो डिग्री ले रखी है, आप आवेदन कर सकते हैं। टोटल 41 जो है वो हो जाती है। उसी तरह दोस्तों डिप्लोमा वाले भी आवेदन कर सकते हैं। सिविल में डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल में है, SNT में है, आप अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है वो भी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। बात करें दोस्तों एज की, 18 से लेकर 30 साल तक आपकी एज है, आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल है, अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल मिलेगी, जैसा कि पहले मिलती आई है। 1/1/2020 तक आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आपकी एज और क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। बात करें स्टाइपेंड की, तो अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस हैं तो 10,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा। अगर आप टेक्नीशियन डिप्लोमा होल्डर हैं तो 8,500 पर मंथ आपको जो है वो स्टाइपेंड मिल जाएगा। ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो है वो 1 साल की रहेगी और यही जो है यहाँ पे लिखा गया है। बाकी दोस्तों बात करें एग्जाम की, तो किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होने वाला है, ना किसी तरह की इंटरव्यू आपकी ली जाएगी। आप मेरिट लिस्ट पे वो निकालेंगे, जिनके ज्यादा मार्क्स है उनको ज्यादा जो है वो प्रेफर करा जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग ये मेरिट लिस्ट बना लेंगे। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। 2019, 18 और 2017 वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 2017 से पहले करा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि किसी तरह का इंटरव्यू नहीं होगा, किसी तरह का एग्जाम नहीं लिया जाएगा, सीधा आपको डायरेक्ट जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और आपको जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। अगर वेरीफिकेशन हो जाती है तो आपको जो है अप्रेंटिसशिप का मौका मिलेगा उन्हीं की ही कंपनी में। तो यहाँ पे दोस्तों शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को वो इन्फॉर्म कर देंगे ईमेल के थ्रू, जो कि आपको जो है आपके ईमेल पे ही आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे अप्लाई आपको ऑफलाइन मोड से करना है। सबसे पहले आपको इनरोल करना पड़ेगा। इनरोल कहाँ पे करना है, यहाँ पे लिंक दिया गया है MHRDNATS का, यहाँ पे जाके आपको इनरोल करना है। वहाँ पे आपको एक जो है वो नंबर मिलेगा, इनरोलमेंट नंबर, वो आपको फॉर्म में फिल करना पड़ेगा। और यहाँ पे बताया गया है कि फॉर्म फिल करके साथ में डॉक्यूमेंट के यहाँ पे डिटेल दी गई है। सारे डॉक्यूमेंट जो है उनकी फोटोकॉपीज आपको लगानी है, सेल्फ अटेस्टेड करके A4 साइज, और यहाँ पे इस एड्रेस पे भेज देनी है। न्यू दिल्ली का एड्रेस है। और यहाँ पे भेजने के बाद अगर आप जो है वो सिलेक्ट होते हैं तो आपको ईमेल के थ्रू वो शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो बता देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको एनवल्प को सील कर देना, उनके बताए हुए एड्रेस पे भेज देना है। फॉर्म कौन सा है वो नीचे बताऊंगा, लास्ट डेट बता देता हूँ। यहाँ पे 15/2/2020 तक आप आवेदन जो है वो कर सकते हैं, यानी कि आपकी एप्लीकेशन 15/2/2020 तक वहाँ पर पहुँच जानी चाहिए। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चन हैं आप इस ईमेल पे कांटेक्ट करके उनसे जानकारी ले सकते हैं, या लैंडलाइन नंबर है ऑफिस आवर में आप कॉल करके उनसे जानकारी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों बात करें फॉर्म की, तो फॉर्म अलग से है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसी के लास्ट में जो है वो फॉर्म दिया हुआ है, उसको आपको प्रिंट आउट ले लेना, उसको फिल कर देना, साथ में डॉक्यूमेंट लगाने, इस पर जानकारी दी गई है, और भेज देना उनके बताए हुए एड्रेस पे। और किसी तरह की फीस नहीं है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, अच्छा मौका उन लोगों के पास जो कि फ्रेशर्स है और अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। तो यही था दोस्तों आज के इस अपडेट में। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।